तेलंगाना समाज ने मुंबई में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। पद्मावती के खिलाफ विरोध तेज हो गया है और इसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुंबई में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया है। राजपूत समाज के लोगों ने यह प्रदर्शन किया है। विवाद कैसे शुरू हुआ था ये नीचे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन मुंबई में भंसाली के ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है नारेबाजी। इज्जत की नजरों से देखा जाता है। हमारी माता शक्ति माता जैसी पद्मावती के ऊपर इन्होंने गलत दृश्य दिखाए, इसलिए हम विरोध करने आए हैं। इसी परिवार के लिए हम गुजर हैं। हमारी माता पल्ला दाई ने चंदन का बलिदान दिया। मैं फिर भंसाली को कहता हूँ, मुझे समाज के लाखों चंदन अपना शीश कटाने के लिए तैयार है इस परिवार के लिए। इसलिए इस फिल्म को सरकार को सबको रोक देना चाहिए, ये रिलीज नहीं होनी चाहिए। जो 16,000 आदमियों ने बलिदान दिया है वो जेल नहीं जाएगा। उनके साथ 16,000 बाकी जो महिलाओं ने बलिदान दिया है वो बलिदान हम जब जाए जाने देंगे, चाहे हमारी सर कट जाए। कम से 50,000 से ज्यादा लोग हमारे वो आए हुए राजस्थान से महाराष्ट्र से। हम संदेश देना ही चाहते हैं कि ये हिंदू समाज के नाम पे कलंक है। ये भंसाली को सजा होनी चाहिए। ये जो हमारा इतिहास है इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हिंदू धर्म के साथ भंसाली पैसों के लिए अपना खिलवाड़ कर रहा है, हिंदू धर्म के साथ अन्याय कर रहा है। हम इसी को किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। इस प्रदर्शन में अखंड राजपूताना समाज की महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भंसाली के ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजपूत समाज के लोगों ने संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी अपना विरोध जताया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे महिला आए थे, लेकिन यहाँ करने आई थी महिला कर्म लेकर दर्शन करने के लिए पद्मावती फिल्म को लेकर राजपूत समाज के लोग संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर पहुंचे हुए हैं और यह उनको पुलिस हिरासत में ले रही है। देख सकते हैं यहाँ पे महिला कर्मचारी हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है और लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। मुंबई आप क्यों आई थी यहाँ पे क्यों आई थी? देख सकते हैं कि इनको ले जाया जा रहा है, पुलिस इनको हिरासत में ले रही है। यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आई थी पद्मावती फिल्म को लेकर, लेकिन यहाँ पे पुलिस इनको हिरासत में लेकर जा रही है। यहाँ पे हटाया जा रहा है अंदर है और इनको देखो किस तरह से लेके जाया जा रहा है। ये प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्रदर्शन करना शुरू किया उसके बाद इन महिलाओं को हिरासत में ले रही है। और यहाँ से देख सकते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी है लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो संजय लीला भंसाली का घर है और ऑफिस है बाहर। आप लोग क्यों हो, आप लोग क्या कर रहे हैं? अखंड राजपूताना क्या डिमांड क्या है? डिमांड है कि फिल्म हमारी नुमाइंदों को दिखाई जाए। डिमांड है हमारी फिल्म हमारे नुमाइंदों को दिखाई जाए। मैम क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड है कि फिल्म प्रदर्शित होने के पहले हमको फिल्म दिखाई जाए। जब तक फिल्म नहीं दिखाई जाएगी हम फिल्म प्रदर्शित नहीं होने देंगे। लेकिन क्या भूमिका है? भूमिका मैं इस संस्था की अध्यक्ष हूँ और ये मेरी तरफ से प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट इसी तरह से कायम रहेगा। हमारी मांग है पिक्चर हमको दिखाई जाए। दिखाने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको हिरासत में लेकर लिया जा रहा है और जितने भी यहाँ पे प्रदर्शन करने आई थी महिला कार्यकर्ता उनको हिरासत में लेकर यहाँ के मुंबई पुलिस लेके जा रहा है। यहाँ प्रदर्शन करने वाले जैसे शुरुआत हुआ उसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। विष्णु के साथ सत्यकांत शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।